अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको मियां डेयरी फार्म का विज़िट करवाने आए हैं जो कि 20 साल के लड़के ने बनाया है और इस उम्र में इतना कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप ये काम मियां दरान साहब कब से कर रहे हैं? वाजी वालेकुम सलाम भाजी, ये मैं काम ना तकरीबन मैंने शुरू तो इस काम का शौक सी, लेकिन इस काम में मैं तकरीबन 9वीं से स्टार्ट किया, 9वीं क्लास तो मैं अपने वालद साहब गल की कि मैंने डंगर का शौक है तो तुम मैं मझा रख दौ, तो उन्हें मैंने फिर ना 5 लाख रुपया दे के ना तो फिर मैं 3 मझा लै दिया जितों मैं स्टार्ट लिया। इस काम की तुम घट्टो घट कोई मतलब कि जो तुम पट्ठे कन्ने तो पाओ ना तो बंदे चाहिए होंगे थोड़े, जे तुम पट्ठिया का काम कर देने बाई बीजी के नाल पट्ठे बहरों वढ़ के लैने पैदे ने तो फिर बंदे लैने पैदे, बंदे ही रखने पैदे ने बहुते नाल फिर आप भी लगना पैदा है, लेकिन कन्ने तो तुम्हें बड़ा सुख होना, लेकिन असं ना ना पाने भाजी लिया बहरों अपने लिया के मैं इसलिए बंदे रखे ने 3 तो तिना बंद ना ना रखे अपने नाल तो नाल मैं आप चवाई करना उन्होंने तो इंज मेरा सर्कट चलिया आ। जनान साहब हमें ये बताया कि इस काम में कितना प्रॉफिट है? भाजी एक मज अगर दुध कर दी ना 5 किलो एक टाइम का तो वो अगर 2 टाइम मतलब कि 10 किलो कर दी ना तो वो आस्ता मतलब कि तुम कह लो एक टाइम तो बचत है तो एक टाइम का ताला खर्चा एक माज से, तो तुम इतों हिसाब आप ला लो मेरे को माज ला 15 डंगर ने तो 15 ही मिलते हैं तो वो ला 15 डंगर मिलते हैं तो 15 डंगर ला 2 टाइम मिलते हैं तो 2 एक टाइम की मेरी बचत है एक टाइम का मेरा खर्चा है। तो दूध का क्या रेट है, क्या हिसाब किताब है? दूध का भाई साढ़े को रेट 130 है तो साढ़े को असं ना किसी जाके नहीं देते साढ़े को आप लैन आते हैं असं किसी जाके स्पैशल नहीं देंगे। जनाब साहब आप दूध इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? भाजी दूध बेचने की कि महंगा है 130 रुपये रेट है भाजी, तुम ना बहरों जाके लै लो 80 रुपये मिलता है वो ना का पानी लै साढ़े को आकर तुम एक बार चैक तो करो जो कोई मसला मसाया तो गल करना जिम्मेदार साढ़े को आकर लैके जाते हैं असं किसी जाके देता नहीं ना किसी घर दे ना किसी दुकान से देता है साढ़े को लोग बड़ी बड़ी दूरों चल के आके लेंगे कोई गल नहीं। जनाब साहब एक आधी मज कितने की आती है, क्या हिसाब किताब है? जी चंगी तो चंगी मज होती तो मंजी तो मंजी मज होती मज तो बड़ा फर्को फर्क ही होती है, जी मज दुध कर दी 7-8 किलो वो मज होती भाई 3.5-3 लाख की, जी कर दी 10-12 किलो दुध वो महंगी होती 4-4.5 लाख की होती है, 1.5 लाख की भी लाभ जी तुम जो दुध कर दी 2-2.5 किलो 3 किलो दुध कर दी है इस हिसाब ना होंगे मतलब दुध के हिसाब ना भी होंगे तो लेकिन सोन के हिसाब ना भी होंगे मज का। तो आपके पास कितनी मजे हैं? भाजी मेरे को मजा आई है भी साहब तुम्हारे मजे कि टोटल? भाजी मेरे को मजा आई है 5 जिन्हें चो खाया ना 15 मिलती हैं तो 10 ना कह लो छोटिया ने कोई कट्टिया ने कट्टे ने इंज करके 5 टोटल जानवर ने 15 मिलते हैं। जनाब साहब कि आपकी महीने की प्रॉफिट क्या है? भाजी मेरा दुध महीने का मतलब कि एक दिन का मेरा दुध बनता है 1.5-2 मन मतलब कि 2 टाइम का बनता है मेरा 4 मन दुध बनता है तो जी मैं बचत होंगे ना मतलब कि महीना भाई मैंने बच जाता 50-60 हज़ार कह लो ईजीली बच जाता आराम बच जाता मेरे। आपकी सबसे महंगी मज कितने की है? भाजी साड़ी सब तो जी महंगी मज है ना 6 लाख की, तो जो सी सबसे सस्ती वो कितने तक की है? 1.5 लाख की भाजी। अदनान साहब आपकी हवेली कितने कितनी जगह पे है? भाजी साड़ी हवेली की है कनाल च तो उत्थे ना डंगर उत्थ कढ दी देने टाइम ना ही चवाई करके नाल ही तो इतने लै ही देने इतने लिया के फिर ना तो सोका सुखा करके सफाई सफुई करके वापस फिर लै। आप ये आप बेच रहे का व्यापारी वाला काम भी करते हैं मजो वगैरह का? भाजी देखो माल डंगर है माल डंगर का काम है बाद वादा घाटा भी डंगर ना हो जाता फिर उन्होंने मजबूरन बेचना भी पैंता है तो इस करके बार भी नाल काम कर ली लै भी लेती बेच भी लेती है नालों नाल काम सरकार चलता रहता काम करी दा। आपने छोटा कितने का लिया? भाजी छोटे 1.5 लाख का लिया सी लेकिन इन्हें वड्डी तो इंशाला दोबारा बेचेंगे जी पिछली वड्डी तो बेचा सी एक वो इन्हे नाल वड्डा सी तो 22 मन उनका वजन सी तो वो असी 10 लाख का बेचा सी तो इंशाला यह भी उम्मीद है कि 5 लाख के कोल जाएगा क्योंकि यह बच्चा आ गया। आप इसको कट्टे हो गया खिलाते पिलाते? भाजी कोई खास इनू गुदा नहीं पाई दी जरा आम रूटीन चाड़ा चूड़ा चल रहा है ना सबक चाड़ा खल चुकर वही पाई दा होर इनू कोई खास गुदा नहीं पाई दी या आम मझा जिम्मे खाने ना उ इनू खवाई दा।